महाप्रभु की ये महाप्रसाद बनाते बनाते एक बहुत ही अच्छी हादसा मेरे साथ हुआ। और वो क्या हुआ पता है आप सबको? कढ़ाई बीच में से ऐसे फट गई, ये देखिए कैसे क्रैक आई है। और मैंने अपनी कांजी को कैसे बचाया, चलिए देखते हैं। जय जगन्नाथ, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, उड़िया में कांजी लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए मैं आगे बताती हूँ। वीडियो शुरू करें। एक मिट्टी की हांडी लेंगे जिसमें हम कांजी बनाएंगे। इसको पहले साइड कर देते हैं। ये जो कांजी है इसमें सब्जी में आपका जो कद्दू, मूली और बैंगन यूज होता है। कद्दू का छिलका नहीं उतारते और जो बैंगन है वो छोटा वाला बैंगन यूज होता है। इस कांजी में दोस्तों चावल यूज होता है, और चावल कौन सा, ये बारीक वाला। अगर आपके पास बारीक वाला चावल नहीं है तो आप 3 से 4 बड़े चम्मच चावल को पानी में भिगो के दरदरा पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पे चावल का आटा बनाते टाइम जो बचा हुआ चावल था उसी का बना रही हूँ। मंदिर में ऐसे ही चावल से बनता है, और इसको बोलते हैं खुदा चावड़ा। उड़िया में बोलते हैं खुदा चावड़ा। ये देखिए कैसे सूजी की तरह है चावल, देख रहे हैं? तो ये ही चावल ही कांजी में डलता है। तो ये टोटल 3 बड़े चम्मच हैं। मिट्टी की हांडी लेंगे, उसमें 1/3 कप दही डालेंगे। ये घर का जमाया हुआ दही है। और दही डालने के बाद उसके साथ जो चावल मैंने रखा था उस दही में उस चावल को डाल देंगे। अगर आप चावल भिगो के पीस रहे हैं तो उस बैटर को दरदरा पीसिए और उसको इस दही के साथ डाल दीजिए। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 1 कप बस पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाल के इसको, जो हमारी जो दाल घोटनी होती है उसी से हम इसको मंथ लेंगे, जैसे आप कढ़ी को मंथते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अरे ये तो कढ़ी है ना? लेकिन कढ़ी में आप लोग बेसन यूज करते हैं। महाप्रभु की भी दोस्तों ये कढ़ी ही है। उड़िया में कढ़ी को कांजी बोला जाता है, और ये कढ़ी में चावल का आटा यूज होता है। दरदरा पिसा हुआ चावल का आटा, या फिर ऐसे छोटे छोटे चावल। अब इसमें हमें और 4 कप पानी डालना है। मुझे पता है कांजी का मीनिंग हिंदी में कुछ अलग होता है, लेकिन उड़िया में कांजी को मतलब कढ़ी को ही कांजी बोला जाता है। दोस्तों, इस हांडी में अगर मैं कांजी बनाऊंगी तो उबल के बाहर को निकल जाएगा, उसी लिए मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई लिया है। और उस कढ़ाई में हम ये जो मतलब मिक्स किए उसको निकाल लेंगे। ये कांजी में ये जो दाल घोटनी है ये एक ही बार यूज होता है, उसके बाद ना कोई करछी ना कोई छोंक, वही वाला रूल है दोस्तों। अब इसमें हम ये सब्जियां डाल देंगे, और सब्जियां डाल के एक मसाला ही महाप्रभु का बहुत पसंद है, वो है हींग, बांधनी हींग। 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा कम लेंगे। 2 बड़े चम्मच पानी में भिगो के एक साइड करके रख देंगे। इसको हमें लास्ट में यूज करना है। अभी हमें गैस ऑन करना है, पूरा फ्लेम को लो करेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। मिट्टी की कढ़ाई में मेरी ये कांजी पूरा 1 घंटे का टाइम लिया, लेकिन आप लोग अगर स्टील के मतलब जो सिल्वर की कढ़ाई या कोई भी कढ़ाई में मतलब चढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट हो जाएगा। मसाले में दोस्तों सिर्फ नमक, हल्दी और ये 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने ऊपर से ऐसे छिड़क दीजिए, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद देखिए हल्का हल्का उबाल ऊपर से आना शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कैसे सफेद सफेद दिख रहा था। हल्दी जब पका तो कलर में कितना सुंदरता आने लगा है ना दोस्तों? और अब और 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद कितने अच्छे से उबल रहा है। ना कोई करछी ना कोई छोंक। कड़ी बोलते हैं बिना करछी चलाए फट जाती है, ये महाप्रभु की कड़ी है, कुछ नहीं फटेगा, स्वाद बढ़ जाएगा। हींग की पानी अभी डाल देंगे। हींग की पानी डाल के और 20 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब देखिए दोस्तों, अभी 1 घंटा पूरा हो गया है। अभी ऊपर से 1 बड़ा चम्मच बस घी डालना है।
महाप्रभु की खाना देसी घी में बनता है। महाप्रभु के खाने में प्याज लहसुन का तो यूज किया, कोई भी तेल का यूज नहीं होता है। मंदिर में सिर्फ देसी घी से ही महाप्रभु की महाप्रसाद बनती है। गैस बंद कर देंगे और इसको 1 घंटे रेस्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, ये देखिए। हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ, कुकिंग प्रोसेस जो मिट्टी के बर्तन में चलती रहती है, गैस बंद हो गई है, ये चल रही है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों 10 मिनट बाद जब मैं थोड़ा सा किचन में नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसी तरह 10 मिनट बाद जब नजर फिर से गैस की तरफ आया तो लीकेज शुरू हो गया था। झटपट मुझे बदलना पड़ा, क्रैक देख रहे हैं, झटपट मुझे वो पहली वाली जो मिट्टी की हांडी थी उसी में ट्रांसफर करना पड़ा और इसी में मुझे 1 घंटा छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी देखिए, हमारी कड़ी ना फटी है ना कुछ हुआ है। तुलसी का भोग लगा देती हूँ। हे महाप्रभु, मेरी कोई भी गलती हो माफ कर दीजिएगा, ये मेरी प्रयास है। आपकी महाप्रसाद बना पाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी क्या किसी की बस की बात नहीं है। आपके इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हे महाप्रभु, आशा करती हूँ जब तुलसी डालती हूँ तो महाप्रसाद आप तक पहुँचती होगी। दोस्तों, कड़ी परोस रही हूँ, आप लोग देख के बताइएगा कैसा बना है और कैसा लगा आप लोगों को। एक बार इसको गरम गरम चावल के साथ खा के देखिए, घी और अन्ना। रेसिपी लिंक ऊपर दे दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।